हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है ऑफ आवर रेस्पबेरी पाई पिको सीरीज़। ये वीडियो में हम लोग एनालॉग रीड करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एनालॉग राइट किए थे आर्डिनो के लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग बेसिकली PWM टेक्निक यूज़ किए थे। आज हम क्या करेंगे, ADC कन्वर्टर कैसे यूज़ करके हम लोग कोई भी एनालॉग सेंसर का डेटा कैसे रीड करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थोनी को ऑन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देन हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको, मतलब जितने भी सारे हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं रेस्पबेरी पाई पिको में कैसे काम किया जाता है, उसका फंडामेंटल क्या है, कैसा है, तो आप पूरा का पूरा सीरीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको माइक्रो पाइथन के थ्रू पिको का प्रोग्रामिंग सीखना है, आप देख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है देन आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप मेरा कमेंट में भी आपका डाउट पूछ सकते हो। मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं चाहता हूँ मेरा ब्राउजर पे, सॉरी नॉट ब्राउजर, मेरा लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं थोनी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई विल गो टू ई, देन हम लोगों का क्या था, पिको यूट्यूब। तो ये हम लोग चार प्रोग्राम कर चुके हैं। ठीक है, मेन एक था मेन, देन एलईडी ब्राइटनेस, ये वाला हमारा PWM लास्ट एपिसोड में था, EP4 में। एपिसोड 5 में हमारा क्या था, स्विच वाला, मतलब 3 में स्विच वाला था कि बटन प्रेस करने पे LED ऑन होता था, रिलीज करने पे LED ऑफ होता था, और ये एक था LED एवरी 1 सेकंड में ऑन ऑफ होता था। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ADC को रीड करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ब्राउजर को जाऊँगा। ब्राउजर के जाने के बाद मैं पहले रेस्पबेरी पाई पिको का PicoW pin, ठीक है, पहले पिन को मैं समझ लेता हूँ। मतलब जैसे हमारा आर्डिनो में A0, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे 6 हमारा एनालॉग पिन था। नोड MCU में एक एनालॉग पिन था और ES32 में मल्टीपल एनालॉग पिन था। वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर वो सारा सीरीज आप नहीं देखे हो, जाके आप सीरीज देख सकते हो। हम लोग आज चेक करेंगे कि पिको में क्या क्या पिन्स है जो एनालॉग के लिए यूज किया जाता है। तो ओपन कर लिया, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ADC0, ADC1, देन ADC2, 3 पिन है जो मेरा एनालॉग पिन के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली मेरा एनालॉग पिन 3, मतलब रेस्पबेरी पाई पिको में 3 एनालॉग पिन देता है। रेस्पबेरी पाई में कोई भी एनालॉग पिन नहीं। अगर आपको कोई एनालॉग सेंसर इंटरफेस करना है देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ADC कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा रेस्पबेरी पाई में। और पिको में ऑलरेडी 3 अवेलेबल है। अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए देन आप यूज़ कर सकते हो कोई भी I2C कनेक्टर, I2C बेसिकल कन्वर्टर जो ADC को सपोर्ट करता है, नहीं तो SPI वाला भी यूज कर सकते हो, जैसे कि MCP 3008, नहीं तो ADS 1115। ये दोनों से कोई कुछ भी चूज कर सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी चेक करते हैं मेरा क्या है, ADC0 है, ADC1 है एंड ADC2 है। ADC0 मेरा क्या है, पिन नंबर 26, मतलब GPIO 26, देन ADC1 के लिए 27 28। तो मैं ये तीनों में कोई भी एक पिन यूज कर सकता हूँ। सपोज लेट से आई विल गो फॉर पिन नंबर 27, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं क्या करूँगा, मेरा कनेक्शन डायग्राम में करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रोग्राम और मैं क्या करूँगा, मेरा पिको को कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पिको, आपको पता होगा ये इसमें बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देन मैं क्या करता हूँ, उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद आई विल गो टू कहाँ पे, रन जाने के बाद यहाँ पे मैं कॉम चूज कर लूँगा। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोग्राम देखो, 3 प्रोग्राम ऑलरेडी है, जो ये वाला मैं बैकअप भी ले लिया था यहाँ पे। यहाँ पे और एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, उसका नाम दे दूंगा मैं EP5ADC.py। ठीक है, तो ADC वाला प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम, सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेव हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, पिन चाहिए एंड मुझे क्या चाहिए, ADC चाहिए। तो ADC को इंपोर्ट कर लिया, मतलब फ्रॉम मेसिन इंपोर्ट पिन एंड ADC। ठीक है, देन मैं अगर चाहूँगा कि कुछ डिले के बाद यूज़ करूँगा,
मतलब एवरी 1 सेकंड में मैं रीड करूंगा या एवरी 5 सेकंड में रीड करूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट इंपोर्ट टाइम, तो आप टाइम ले सकते हो नहीं तो यू टाइम भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं टाइम लेता हूँ, देन मैं अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा ADC, तो ADC, ठीक है, देन यहाँ पे दे दूंगा मैं पिन नंबर। पिन नंबर मेरा क्या है, तो मैं कौन सा पिन को चूज करूंगा, 27, तो ये पिन स्मॉल रहेगा। ठीक है, पिन 27, तो आप चाहोगे तो 26 भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका नाम दे देता हूँ मैं, LDR, LDR पिन, ठीक है, और यहाँ पे दे देता हूँ LDR, ओके, LDR पिन इज इक्वल टू पिन ऑफ 27, 27, देन LDR इक्वल टू ADC ऑफ LDR पिन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये वाला लास्ट प्रोग्राम हम लोग किए थे, LDR पिन। ठीक है, अभी मेरा पिन डिक्लेयर हो गया, मैं अभी क्या करूँगा, वाइल वन एक इन्फाइनाइट लूप ले लूँगा जो एवरी 1 सेकंड में मेरा डेटा रीड करेगा। तो मैं लास्ट क्लास जो PWM में हम लोग किए थे वहाँ पे मैं बताया था आपको, जो रेसबेरी पाई माइक्रो पाइथन है वो बेसिकली अनसाइंड इंटीजर 16 बिट को डेटा को सपोर्ट, मतलब उसका फॉर्मेट 16 बिट का है, तो इसीलिए हम लोगों को ये भी जो आउटपुट दे रहे थे वो U16 में दे रहे थे। यहाँ पे जो रीड भी करेंगे हम लोग U16 में भी रीड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट करूँगा प्रिंट, ठीक है, LDR डॉट रीड। ठीक है, रीड यहाँ पे मेरा पिन चला गया, देन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल में आएगा, मतलब कौन सा इंटीजर में, U16 में डेटा मेरा प्रिंट करेगा, देन उसके बाद टाइम डॉट स्लीप ऑफ 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है, सेव कर दिया, तो अगर मैं रन करूँगा आई होप कुछ एरर नहीं आना चाहिए। अभी रन करते हैं, देखो 2240824 जैसे रैंडम वैल्यू आ रहा है, वाई, बिकॉज मैं कोई भी सेंसर कनेक्ट नहीं किया हूँ अभी तक फिलहाल। तो चलते हैं कनेक्शन पे, तो कनेक्शन बहुत ही इजी है, मुझे क्या चाहिए, एक LDR चाहिए जो मेरा 3 वोल्ट में कनेक्ट होगा और दूसरा वाला पिन मेरा ग्राउंड में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सेम टाइम पे हम लोग जाएंगे, हमारा पिन डायग्राम में तो देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला ग्राउंड है और उसके नेक्स्ट वाला क्या है, आउटपुट है, मतलब 36 मेरा आउटपुट है और ये वाला ग्राउंड है, तो सेम कनेक्शन करूँगा 1 2 3, ये वाला मेरा ग्राउंड, तो ग्राउंड ग्राउंड जाएगा यहाँ पे, देन रजिस्टर ले लूंगा मैं 10 किलो ओम का, ये वाला मेरा 10 किलो ओम का रजिस्टर, ये जाएगा 3 वोल्ट पे। ठीक है, तो 1 2 3, देन 4 छोड़ के 5, 5 मेरा 3 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, 3.3 वोल्ट आउटपुट उसके साथ कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्मिनल में मेरा ADC वैल्यू अभी आ जाएगा, देन यहाँ से मैं एक पिन लेके कनेक्ट कर दूंगा कहाँ पे, मेरा 27 में, मतलब 32 पिन नंबर पिन पे, तो 1 2 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाला मेरा ग्राउंड, देन ये वाला 3.3 वोल्ट और ये वाला 27। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद ये वाला। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 54769, क्योंकि ये 16 बिट का डेटा देगा तो इसीलिए ऐसा आ रहा है। सपोज मैं उसको अंधेरा करूँगा तो देखो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लाइट डाउन होने से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं रिवर्स कनेक्शन किया हूँ, मतलब पुल डाउन कनेक्शन किया हूँ। और अगर मैं मोबाइल का लाइट फ्लैश करूँगा तो देखो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और जितना पास लेके जाऊंगा उसी हिसाब से वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। जब आ, आ, मेरा मोबाइल का लाइट मतलब फ्लैश लाइट हटा देता हूँ देन वैल्यू क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको उसका अल्टरनेट करना चाहते हो तो क्या करोगे, सिंपल कनेक्शन है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा आपको, VCC को ग्राउंड में कनेक्ट करना है और ग्राउंड वाला VCC में अल्टरनेट पिन कनेक्ट कर दोगे तो देन आपका हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको निकाल के, ठीक है, देन ये वाला यहाँ पे अभी देखो वैल्यू मिनिमम आ रहा है, मतलब 10,000 समथिंग कुछ आ रहा है। जब मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ धीरे धीरे वैल्यू क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। जब फ्लैश लाइट हटा के और भी अंधेरा कर देता हूँ तो वैल्यू और भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन आप प्रोग्राम लिख सकते हो, जब वो सपोज कोई पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिले को ऑन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उसको लेके बहुत सारा एनालॉग सेंसर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका टेम्परेचर सेंसर LM35 हो गया, नहीं तो पोटेंशियोमीटर, कुछ भी कोई भी एनालॉग सेंसर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसको लेके आप प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ भी डाउट हो रहा है मुझे कमेंट में बताओ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।